हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। इससे पहले मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डेवलपमेंट की, आइडियल कंडीशंस क्या हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्कस किया है। पहले आप वो वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इसमें जो एटमोस्फेरिक और वेदर कंडीशंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो डेवलपमेंट है वो ओशनिक सरफेस पर होती है। मान लेते हैं ये कोई ओशन है और यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये एक डोल्ड्रम का एरिया है, ये पूरी की पूरी डोल्ड्रम बेल्ट है। आप लोगों को ये आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनकी जो डेवलपमेंट है वो ओशन के वेस्टर्न पार्ट पर और डोल्ड्रम के बाहर के एरियाज में होती है। जनरली ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेवलपमेंट हुई और जो ट्रेड विंड्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कोस्टल एरिया की तरफ आएंगे और कोस्ट के ऊपर आकर स्ट्राइक करेंगे। तो एक तरह से कोस्ट पर आकर हिट करेंगे ट्रेड विंड्स की इन्फ्लुएंस में ये जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होंगे। और जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर आते हैं तो वहां पर एयर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज करता है, विंड वेलोसिटी में सडन इंक्रीज होता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इंटेंसिव लो प्रेशर डेवलप होता है सेंटर में और सराउंडिंग एरिया से विंड्स जो है वो काफी तेजी से लो प्रेशर सेंटर की तरफ आएंगी और कोरियोलिस फोर्स के कारण वो इसके चारों तरफ काफी तेजी से सर्कुलेट करती हैं। ये विंड की स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि जो विंड्स आ रही हैं वो कितने स्ट्रोंगर ग्रेडियंट के साथ आ रही हैं, कितना स्ट्रोंगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वहां पर काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा विंड्स की स्पीड। तो एक वेल डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड की स्पीड काफी हाई होती है और जब भी किसी भी प्लेस पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो एयर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, विंड स्पीड भी इंक्रीज करेगी और जो एयर प्रेशर है उसमें मार्क्ड डिक्रीज होगा, सडन एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। किसी भी प्लेस पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के अराइवल से जस्ट पहले सिर्रस और सिर्रोस्टेटस क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी। और अगर आप किसी कोस्टल एरिया पर किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के अराइवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसे जैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्टल एरिया की तरफ प्रोसीड करेगा वैसे वैसे ओशंस में हाई वेव्स जो होंगी वो कोस्ट के नियर आती हुई दिखाई देंगी। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसमें जो जो आउटर पार्ट है, जो पेरिफेरल पार्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वहां पर सिर्रस और सिर्रोस्टेटस क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी। जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर आ जाएगा तो वहां पर ये जो सिर्रस और सिर्रोस्टेटस क्लाउड्स थे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये बहुत थिकर और डार्कर क्लाउड्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट होती है मॉइस्चर की, इसलिए लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ साथ काफी हैवी रेनफॉल भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स करते हैं। तो एक बार इन क्लाउड्स की अपीयरेंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये है सिर्रस क्लाउड, काफी हाई क्लाउड है, 6000 मीटर से ऊपर के एरियाज पर यह डेवलप होते हैं। यहां पर बहुत हल्के ये क्लाउड्स हैं, जो बर्ड विंग्स होते हैं उनमें जो फैदर होता है, फैदर टाइप का ये क्लाउड्स होते हैं, इनसे थोड़ा सा थिकर क्लाउड्स होते हैं सिर्रोस्टेटस क्लाउड्स। लेकिन जो थर्ड टाइप के क्लाउड्स होते हैं जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है उसकी अगर बात करें तो वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो ये देखिए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थिकर या टोलर क्लाउड्स होते हैं और इनमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जब ये रेनफॉल करते हैं तो काफ़ी हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं। जो
ट्रॉपिकल साइक्लोन जब ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाएगा तो वहां पर जो थिकर और डार्कर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं उनके कारण एटमोस्फेरिक विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और अगर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका सेंट्रल पार्ट किसी भी प्लेस पर आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो एटमोस्फेयर है वो क्लियर हो जाएगा, जो स्काई है इट विल बी फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, और जो विंड स्पीड है वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, काफी काम ब्रीजेज मींस वेरी स्लो विंड स्पीड वहां पर होगी। तो ये सेंट्रल पार्ट पर आई ऑफ द साइक्लोन की एटमोस्फेरिक कंडीशन है। जब जो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है किसी भी प्लेस से जब वो मूव कर रहा होगा तो उसका जब रियर पोर्शन आएगा तो उस टाइम पर दोबारा क्या होगा, जो स्काई है वो ओवरकास्ट हो जाएगा, दोबारा क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी, विंड की डायरेक्शन में चेंज होगा और एयर प्रेशर में शार्पली इंक्रीज होगा। उसके बाद जैसे ही जो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जैसे ये पास हो जाएगा तो उस प्लेस पर जो एटमॉस्फेयर है वो काम हो जाएगा, वेदर जो है वो फेयर हो जाएगा। तो ये हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो वेदर कंडीशंस हैं। एक बार ये जो वेदर कंडीशंस हैं इनमें ये जो चेंज आ रहा है विंड डायरेक्शन का और जो क्लाउड डेवलपमेंट है, फिर स्काई जो है फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स है, फिर क्लाउड डेवलपमेंट है, उसको एक बार हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन का उसकी हेल्प से समझेंगे। देखिए होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आई वाला पार्ट है लो प्रेशर होता है और इसके सराउंडिंग एरिया पर एयर सर्कुलेट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये है आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। ये जो आई वॉल ऑफ द साइक्लोन है इसमें एयर सर्कुलेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पर बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब अगर मान लीजिए आप यहां कहीं पर हो और आपकी तरफ साइक्लोन इस टाइप से आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपको पहले ये जो पेरिफेरल पार्ट है साइक्लोन का यहां पर कॉन्वेक्शंस जो है वो स्ट्रोंगर नहीं होते हैं, कॉन्वेक्शंस यहाँ पर वीकर होते हैं और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आएंगे ये जो कॉन्वेक्शंस है ये काफी स्ट्रोंगर होंगे, काफी हायर होंगे। तो इन एरियाज में जो पेरिफेरल पार्ट हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, इन एरियाज में आपको दिखेंगे सिर्रस और सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड्स। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो कॉन्वेक्शंस हैं ये रेन बैंड्स हैं, तो यहां पर कॉन्वेक्शंस स्ट्रोंगर होते चले जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये है आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, यहां पर विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कॉन्वेक्शंस बहुत स्ट्रोंगर होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस पार्ट में जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो अब ये साइक्लोन कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, आप जैसे जैसे ये साइक्लोन इस साइड जाएगा तो एक टाइम आएगा कि आप आई ऑफ द साइक्लोन में होंगे। तो जब आप आई ऑफ द साइक्लोन में होंगे तो क्या होता है, ये जो कॉन्वेक्शंस है ना ये इसके चारों तरफ होते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो भी एयर की कूलिंग हो रही है वो एयर यहां पर आई ऑफ द साइक्लोन में सिंक करती है, इसलिए क्या होगा यहां पर कंडेंसेशन भी नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो यहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर होगा, वेदर फेयर होगा और जो विंड स्पीड होगी वो भी बहुत स्लो होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर में ये जो बाहर से विंड्स आती है ना ये सेंटर के चारों तरफ सर्कुलेट करती हैं, आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये एंटर नहीं करती हैं, इसलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई वाला पार्ट है वहां पर एटमॉस्फेयर काम ही होता है, एयर प्रेशर लो बना रहता है। अब जैसे ही ये आई वाला पार्ट आगे चला जाएगा आप दोबारा फिर ये जो आई वॉल ऑफ द साइक्लोन है यहां पर दोबारा फिर क्या होगा, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, हैवी रेनफॉल होगा। इसका मतलब क्या, यहां पर देखिए जब आप यहां पर थे क्लाउड्स थे
हैवी रेनफॉल था, एटमोस्फेरिक विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। यह फ्रंटल पार्ट ऑफ द साइक्लोन, ये पूरा का पूरा फ्रंट पार्ट है साइक्लोन का। आई के आगे वाला जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये साइक्लोन का रियर पार्ट है। तो जब आप आई ऑफ द साइक्लोन जो है इससे पहले वाले पार्ट में थे, मींस फ्रंट ऑफ द साइक्लोन वाले पार्ट में थे, तो उस टाइम पर यहां पर क्या होगी, क्लाउडी कंडीशंस होंगी, हैवी रेनफॉल होगी। फिर आप आई ऑफ द साइक्लोन में आ जाएंगे तो वेदर जो है फेयर होगा, जो स्काई है इट इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। फिर जब दोबारा आप इस पार्ट में आएंगे, क्योंकि साइक्लोन कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर दोबारा वही कंडीशन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, लाइटनिंग, थंडरिंग, हैवी रेनफॉल और एटमोस्फेरिक विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। उसके बाद धीरे धीरे ये साइक्लोन आगे की तरफ चला जाएगा, और दोबारा जब आप यहां कहीं पर होंगे, ये साइक्लोन जब आगे निकल जाएगा तो दोबारा फिर नॉर्मल एटमोस्फेरिक कंडीशन होगी। तो यहां पर आपने देखा कि इस टाइप से जैसे जैसे साइक्लोन आगे की तरफ प्रोसीड करता है, तो किसी भी प्लेस पर पहले एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, जो सिर्रस और सिर्रोस्टेटस क्लाउड्स हम वो दिखेंगे, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आएंगे, विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगी, फिर आई ऑफ द साइक्लोन वाला पार्ट आएगा, एयर प्रेशर काफी कम हो जाएगा और एटमोस्फेयर जो है उसमें विजिबिलिटी हायर हो जाएगी, क्लाउड फ्री वेदर होगा। फिर दोबारा जब रियर पार्ट आएगा तो वहां पर फिर वही कंडीशन, डार्कर क्लाउड्स, हैवी रेनफॉल, और जब ये साइक्लोन गुजर जाएगा, पास हो जाएगा किसी भी प्लेस से, तो फिर नॉर्मल एटमोस्फेरिक कंडीशन आ जाएंगी। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो उस टाइम पर, अराइवल के टाइम पर, और जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पास हो रहा होगा किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो उन दोनों केसेज को अगर हम कंपेयर करें तो जो विंड की डायरेक्शन है उसमें कुछ अलग होगा, कुछ चेंज होगा। देखिए वो चेंज क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द साइक्लोन और एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द साइक्लोन जो विंड डायरेक्शन है उसमें चेंज आएगा, वो किस टाइप से आएगा। जैसे अगर आप यहां कहीं पर हो तो आपके इस साइड से विंड्स आ रही हैं और इस साइड की तरफ विंड्स जा रही हैं। अगर आप इस आई से इस साइड कहीं पर भी हो तो विंड की डायरेक्शन सेम रहेगी, पर अगर आप आई के बाद इस पार्ट में कहीं पर भी हो, मींस रियर पोर्शन ऑफ द साइक्लोन में हो, तो जैसे अज्यूम करें आप यहां पर हैं, तो आपके यहां से विंड आ रही है और यहां से विंड जा रही है, मींस अगर आपके इधर राइट हैंड की तरफ से विंड आ रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, तो यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ से विंड आ रही है और राइट हैंड की तरफ विंड जा रही है। तो ये जो विंड डायरेक्शन है ये साइक्लोन के फ्रंटल और रियर पार्ट में अलग अलग होगी। ये साइक्लोन का रियर पार्ट है और ये साइक्लोन का फ्रंटल पार्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी वेदर से ही रिलेटेड है कि एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द साइक्लोन एंड एट द टाइम ऑफ रियर पोर्शन ऑफ द साइक्लोन और पासिंग ऑफ द साइक्लोन जो विंड डायरेक्शन है इसमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर द ओशनिक सरफेस बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर्स, मेनली इन समर सीजन। मैक्सिमम अक्रेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैपन्स अलोंग 15 डिग्री लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है इसके आसपास के एरिया में ओशंस पर जो ITCZ है वो लंबे टाइम तक होगी। क्यों? क्योंकि एक बार वो इससे ऊपर जाएगी और जब वापस आएगी तो भी इसी एरिया को गर्म कर रही होगी। तो 15 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है ये वो एरिया है जहां पर लंबे टाइम तक ITCZ स्टे करती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अबाउट 65% ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, मेनली 6 ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के।
और एक बार इनको हम मैप पर देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए एक तो ये वाला पार्ट है, ये अटलांटिक ओशन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये वेस्ट इंडीज आइलैंड ग्रुप। तो एक तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड है हरिकेन्स के लिए। दूसरा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, दूसरा ये ब्रीडिंग ग्राउंड। तीसरा ब्रीडिंग ग्राउंड है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ब्रीडिंग ग्राउंड ये वाला पार्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रीडिंग ग्राउंड एंड सिक्स ब्रीडिंग ग्राउंड। तो ये सिक्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए इन द ओशंस। तो एक बार इनको देख लेते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखिए ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको बोला जाता है हरिकेन्स। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मैचिंग से क्वेश्चन हो सकता है। हरिकेन्स की डेवलपमेंट पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट और अटलांटिक ओशन में कैरेबियन सी के एरिया में हरिकेन्स डेवलप होते हैं, जो चाइना सी, जापान एंड फिलीपींस का जो एरिया है यहाँ पर टाइफूंस की डेवलपमेंट है। इसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन भी बोल सकते हैं। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। यहाँ पर जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ये भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये जो फिजी आइलैंड और इसके आसपास का जो एरिया है पैसिफिक और इंडियन ओशन का, तो यहाँ पर भी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होती है। इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और पर्टिकुलरली इस पार्ट पर जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको विली विलीज। आप ध्यान रखेंगे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहां पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको विली विलीज बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको दिया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको विली विलीज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ ये जो इंडियन ओशन है इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही इनको बोला जाता है, और यहाँ पर जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं इनको भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। तो ये है ब्रीडिंग ग्राउंड्स, वेस्ट इंडीज, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी प्लस ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये है आपके हरिकेन्स के एरियाज। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, जापान, चाइना सी, फिलीपींस, आइलैंड, यहाँ पर टाइफून बोला जाता है, लेकिन जापान में टाइफून को टाइफू भी बोला जाता है। टाइफू का ओल्डर नेम है नोवाकी, और फिलीपींस में टाइफून को बैगुओ भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, साउथ इंडियन ओशन, कोस्टल रीजन ऑफ मेडागास्कर, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है। विली विलीज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न साउथ पैसिफिक रीजन, सामोआ एंड फिजी आइलैंड का जो पार्ट है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के सिक्स मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको यूएसए के कोस्टल एरियाज पर ट्विस्टर एंड ओवर द लैंड पार्ट, पर्टिकुलरली मिसिसिपी रिवर वैली प्लस गिनी लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, वहां पर टोर्नेडोज। टोर्नेडोज और ट्रॉपिकल साइक्लोन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जो टोर्नेडोज होते हैं ये फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स जो ग्राउंड पर जो सर्कुलेशन है वो बहुत नैरो है और ऊपर की तरफ ये ब्रॉडर हो जाता है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये किन किन एरियाज में, मेनली मिसिसिपी रिवर वैली या ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए वहां पर टोर्नेडोज हैं, और वेस्ट अफ्रीका का जो गिनी लैंड पार्ट है वहां पर भी टोर्नेडोज हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे,
जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी वास्ट होता है, वाइडर होता है, इट मे बी मोर देन 10 times दैट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनका जो अफेक्टेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कंपेरिजन में। अभी हम लोगों ने टेम्परेट साइक्लोन्स डिस्कस नहीं किया है। टेम्परेट साइक्लोन्स का मतलब है ये वो साइक्लोन्स हैं जो टेम्परेट रीजन में कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज की, एयर मास की कन्वर्जेंस के कारण या फ्रंट्स की डेवलपमेंट के कारण डेवलप होते हैं। उसके बाद जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनके ट्रैक्स क्या है, इनकी मूवमेंट क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं आफ्टर देयर डेवलपमेंट जनरली दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, मीन्स परमानेंट विंड्स इन ट्रॉपिकल रीजन, और बिटवीन 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे, इसलिए इनकी जो मूवमेंट होगी वो वेस्टवर्ड होगी। जो इक्वेटोरियल ओशनिक करेंट्स हैं वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल ओशनिक करेंट्स की हेल्प से भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये वेस्टवर्ड मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा वो बता देता हूँ। मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये इक्वेटोरियल करंट है, ये कोई कोस्ट है, तो ये ओशनिक करंट इस टाइप से मूव करेंगे, तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये लो प्रेशर सेंटर जहाँ पर वार्मर ओशनिक वाटर होगा वहाँ पर बना रहेगा, तो ये क्या करेंगे इस ओशनिक करंट के साथ साथ हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जब ये वेस्टलीज की बेल्ट में पहुँच जाएंगे बियॉन्ड 20 to 30 degree लैटिट्यूड, तो ये वेस्टलीज के इन्फ्लुएंस में ईस्टवर्ड मूव करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेड विंड्स मेनली ट्रेड विंड्स के कारण ये वेस्टवर्ड मूव करेंगे, और जब ये वेस्टलीज की बेल्ट में पहुंच जाएंगे तो ये ईस्टवर्ड मूव करेंगे। तो ये इनकी मूवमेंट है। पर जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसी भी लैंड पार्ट पर या कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये लैंड पार्ट पर पहुंचेंगे तो जो विंड की सप्लाई हो रही थी जो टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर, मॉइस्ट एयर जो आ रही थी वो क्या कर रही थी, लो प्रेशर सेंटर की तरफ मॉइस्चर की सप्लाई कर रही थी। पर जब ये कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाएंगी तो जो विंड्स होंगी उनमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, और जो मॉइस्चर होता है वो लो प्रेशर सेंटर की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये साइक्लोन की डेवलपमेंट हुई इस टाइप से, तो क्या होगा, ये लो प्रेशर सेंटर सरफेस पर बना रहे उसके लिए एयर अपवर्ड मूव करेगी, और ये एयर अपवर्ड मूव क्यों करेगी, क्योंकि ये जो एयर है ना ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसमें कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने से एयर से लेटेंट हीट रिलीज होगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और ये लेटेंट हीट हायर एटमॉस्फेयर में क्या करेगी, लो प्रेशर जनरेट करेगी, जिससे ग्राउंड से एयर अट्रैक्ट होगी और ये ऊपर की तरफ सप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा तो यहाँ पर एयर ऊपर की तरफ जाएगी जो नीचे से एयर को शक करने में या अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। पर अगर एयर ड्राई हो गई तो ये तेजी से एयर ऊपर जाएगी, तेजी से ठंडी हो जाएगी, तो ये जो असेंडिंग है ये बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर एयर ऊपर जा रही है और उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और एयर ज़्यादा ऊपर तक कंटिन्यूसली जाती जाएगी, जिसके कारण सरफेस पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट लंबे टाइम तक बनी रहेगी। पर जैसे ही साइक्लोन कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाएगा तो ओशन से आने वाली जो मॉइस्ट एयर है वो मॉइस्चर कम लेकर आएगी। क्यों, क्योंकि कुछ एयर जो है अब लैंड पार्ट से भी आ रही है और ये एयर यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन थी वो कम हो रही है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो साइक्लोन है इसकी जो एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द साइक्लोन इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन अगर
कॉन्टिनेंट की तरफ से ड्रायर एयर यहाँ पर साइक्लोन के अंदर आएगी, तो इसमें मॉइस्चर कम होगा, इसलिए यहाँ पर एयर में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कम होगी, जिसके कारण ये असेंडिंग वीक होगी, और अगर वीक असेंडिंग होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर की जो डेवलपमेंट है वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी और साइक्लोन की डेथ हो जाएगी। तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।